भारतीय किसान यूनियन द्वारा आज करनाल में इकट्ठे होकर नीलो खेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर के निवास का घेराव किया गया एवं नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर किसान नेताओं ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि विपक्ष द्वारा विधानसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसके लिए आजाद विधायकों और जेजेपी के विधायकों को अनुरोध किया जा रहा है कि वह सरकार के खिलाफ वोट करें और किसान आंदोलन का समर्थन करें। उन्होंने कहा अगर आजाद विधायक उनका समर्थन करते हैं तो आने वाले चुनाव में भारतीय किसान यूनियन उनका समर्थन करेगी और उनको जिताने के लिए किसान बड़ी संख्या में सेक्टर 12 लघु सचिवालय के सामने इकट्ठे हुए और रोष प्रदर्शन करते हुए विधायक धर्मपाल के निवास पर पहुंचे। इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल धर्मपाल के निवास पर तैनात रहा। यहां हम आपको बता दें कि 10 मार्च को विपक्ष द्वारा हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है जिसके माध्यम से विपक्ष की कोशिश है कि सरकार को गिराने का काम करे और उन विधायकों के बारे में जनता को पता चल सके जो किसान हित की बात करते हैं और विधानसभा में किसानों के खिलाफ बात करते हैं। इसलिए किसान सभी विधायकों के निवास पर जाकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं और उनसे अपील की जा रही है कि वह किसानों के हित में आकर सरकार विधानसभा में वोट करे। इस मौके पर जगबीर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि वह बीजेपी जेजेपी और आजाद विधायकों के निवास पर जाकर ज्ञापन दे रहे हैं और अपील की जा रही है कि वह किसानों के हित में वोट करते हुए सरकार के खिलाफ विधानसभा में वोट करें जिससे किसान आंदोलन को मजबूती मिल सके और कृषि के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कानूनों को रद्द करने में सहायता मिले। देखिए करनाल से समाचार एक्सप्रेस की एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और ये तस्वीरें हैं धर्मपाल गोंदर विधायक नीलोखेड़ी। विधायक नीलोखेड़ी का घेराव करने के लिए आज बड़ी संख्या में किसान यहाँ पहुँचे हैं और उनसे अपील करेंगे कि आने वाले अविश्वास प्रस्ताव में वह सरकार के खिलाफ वोट करें। किसान इसलिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि वह यह अपील करने आए हैं कि सरकार के खिलाफ वोट करें। धर्मपाल गोंदर आजाद विधायकों से अपील की जा रही है कि वह सरकार के खिलाफ वोट करें ताकि किसान आंदोलन को समर्थन मिल सके। हम आपकी बात करवाते हैं किसान नेताओं से। कल 10 तारीख को विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष लेके आया उस पर वोटिंग है। जो बीजेपी जेजे की और आजाद विधायक जैसे धर्मपाल गोंदर जी हैं इनके सभी के निवास स्थान पर जा रहे हैं। किसान एक आखिरी मौका और आखिरी अपील कर रहे हैं, आप हमारे हक में अभी समय है, आगे खड़े हो जाओ, किसान भी आपका आगे साथ देंगे, नहीं तो आपका सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार इससे भी कड़ा होगा और किसी गाँव में नहीं घुसने दिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन किसान बड़ी संख्या में यहाँ आकर धर्मपाल गोंदर के निवास पर बैठ गए हैं, धरना दे दिया है और अनुरोध कर रहे हैं कि वह विधानसभा सत्र के अंदर जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उसके खिलाफ जाकर सरकार के खिलाफ वोट करें और किसानों के हितों की आवाज़ उठाएं। बड़ी संख्या में किसान धर्मपाल गोंदर के निवास पर आकर डट चुके हैं, आप ये तस्वीरें देखिए। धर्मपाल गोंदर के यहाँ बैठे हैं जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये बीजेपी को अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए हम आए हैं। जो विपक्ष ने कांग्रेस ने रखा है अविश्वास कल 10 तारीख का, हम चाहेंगे ये 90 विधायक अविश्वास प्रस्ताव पे वोट करें और सरकार गिराएं क्योंकि ये सरकार का ये किसानों के हित में नहीं है, किसानों के खिलाफ है। किसी को ज्ञापन देने आए हैं, जो आज किसान के साथ खड़ा है कल किसान उसके साथ खड़ा रहेगा, नहीं तो सामाजिक और राजनीतिक दोनों का बहिष्कार किया जाएगा। जो आज किसान के साथ नहीं खड़ा, हम विश्वास दिलाते हैं वो किसी भी पार्टी से है, हम उसको आज़ाद जिताना पड़ा हम उसका समर्थन करेंगे जो आज किसान के साथ खड़ा है। आज जो है जेजेपी बीजेपी और आजाद जितने भी हैं सभी को देंगे। अब हम धर्मपाल गोंदर जी के घर के सामने खड़े हैं, अब इनको देंगे, इसके बाद गोंडा कल्याण जी को देंगे। तो आप देख रहे थे ये किसान नेताओं से बातचीत। किसान आंदोलन के चलते आज बड़ी संख्या में किसान धर्मपाल गोंदर विधायक नीलोखेड़ी के निवास पर यह अपील करने आए हैं कि वह सरकार के खिलाफ वोट करें और सरकार को गिराने का काम करें ताकि किसान आंदोलन को समर्थन मिल सके। आज इनका प्रोग्राम विधायक धर्मपाल गोंदर और हरविंदर कल्याण के निवास पर जाकर अपील करने का है कि वह विधानसभा में
में अविश्वास के खिलाफ और भाजपा सरकार के खिलाफ वोट करें ताकि किसान आंदोलन को समर्थन मिल सके। मैं सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए। ये कहना है कि आज किसानों के साथ खड़े हो, नहीं तो किसान आपके साथ नहीं है। हम सामाजिक और राजनीतिक दोनों का बहिष्कार करेंगे अगर जो हमारे साथ नहीं खड़ा होता। तो आज ज्ञापन है भी अगर उसका अविश्वास प्रस्ताव पास करें और उनको वोट दें। तो किसानों के साथ जो खड़ा रहेगा उसका आगे पूरा समर्थन दिया जाएगा। और अगर ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक